हेलो एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है वाटरमेलन जूस, यानी तरबूज के जूस की। बहुत से लोग इसको कलिंगर भी बोलते हैं। वाटरमेलन जूस गर्मी में बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये समर के लिए परफेक्ट ड्रिंक है। ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए मैंने ये 1 kg तरबूज लिया है और इसका मैंने छिलका निकाल लिया है और इतने बड़े बड़े पीस में मैंने काट के रख लिए हैं। इसके मैंने सारे बीज को निकाल लिया है। आप अगर बीज को नहीं निकालना चाहते हैं तो उसमें छन्नी से छानना पड़ता है। इसमें मुझे छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अभी मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है और उसमें मैंने सारे वाटरमेलन को डाल दिया है। अब इसमें मैं 2 tablespoons ये नींबू का जूस डाल रही हूँ और ये मैंने 2 छोटा चम्मच से मैं ये चीनी डाल रही हूँ। अगर आपका वाटरमेलन मीठा है ज़्यादा तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम मीठा है तो आप उसमें थोड़ा सा चीनी डाल सकते हो। और मैं ये थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं ये 1/2 teaspoon काला नमक डाल रही हूँ। अब इस सबको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। देखिए ऐसा हो गया है। अब इसको सर्व कर लेंगे। अब इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने 2 glasses रख दिया है और उसमें थोड़ी थोड़ी से नीचे में मैं आइस डाल रही हूँ। दोनों ग्लास में सबसे पहले आइस डाल देंगे। अगर आपको ठंडा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप ऐसे ही डाल सकते हैं ग्लास में। मैंने आइस डाल दिया है। अब इसके ऊपर वाटरमेलन जूस को डाल देंगे। तो देखिए ये वाटरमेलन जूस बनके तैयार है। मैंने इसे सर्व कर दिया है। मैंने इसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं जिससे ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप ठंडा ठंडा सर्व करें। ये बहुत ही अच्छा समर ड्रिंक है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। आप मेरे स्टाइल से बनाइए, पीजिए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।